Hello dear students, today I am going to teach you our next part of chapter 8 in computer subject. So jaisa bachcho iske pehle lecture mein humne chapter 8 start kiya tha, we have started chapter 8 named introduction to C++. Humne chapter 8 start kiya tha jiska title hai introduction to C++. C++ means CPP, C language. यहाँ पर उसके आगे उसके नए फीचर्स के साथ नए तौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर C++ इस्तेमाल होता है प्रोग्राम्स लिखने के लिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए. 1980s में वजन स्ट्रोस ने 1980 बेल लेबोरेटरी न्यू जर्सी यूएसए में उसका इंटेंशन रिसर्च किया था, जो हमने देखा. फिर हमने ओओपी के बेसिक कंसेप्ट देखे, जैसे कि क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ C++ प्रोग्राम. C++ प्रोग्राम को कहां लिखा जाता है, कैसे एग्जीक्यूट और कंपाइल कंप्लीट किया जाता है. जैसे कि C++ प्रोग्राम को टर्बो C++ में लिखा जाता है, जिसका नाम है टर्बो C++. एक आईडी है, ठीक है, जिसमें C++ के प्रोग्रामिंग को कोड को लिखा जाता है और उसका रिजल्ट आउटपुट देखा जाता है. फाइल को सेव करने के लिए .cpp एक्सटेंशन के साथ भी कर सकते हो. फाइल का एक्सटेंशन रहेगा .cpp. C++ के लिए फाइल है .cpp, उसको कहीं भी सेव कर सकते हो. प्रोग्राम पूरा हो जाए फिर आप कंपाइल कर सकते हो, अगर एरर नहीं आती है तो वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा. तो आपको पहले टर्बो C++ इंस्टॉल करना होगा, मतलब आपको आपके कंप्यूटर लैपटॉप में पहले टर्बो C++ होना चाहिए. फिर उसकी शॉर्टकट की भी है, एंटर कंट्रोल F9, एंटर F9 को यह कंपाइल रन के लिए कंट्रोल F9 और कंपाइल के लिए एंटर प्लस F9. फिर है कंपोनेंट्स ऑफ अ C++ प्रोग्राम. C++ प्रोग्राम के बेसिक कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो C++ इज अ मेड अप ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स. जो प्रोग्रामिंग करता है कोडिंग के लिए उसको क्या बोला जाता है, इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है. These instructions are always written in lower case because C++ is a case-sensitive programming language. वो हमेशा lower case में लिखा जाता है क्योंकि C++ case-sensitive programming language है, क्योंकि capital की जगह capital करना पड़ता है और small की जगह small. Upper case, lower case की जल्दी यहाँ नहीं चलेगी. So it is a case-sensitive. Programming language. In addition to this, each and every instruction must be close or must be end with a semicolon. C++ header class से शुरू होता है और end of main तक चलता है. फिर बात है कमेंट्स की. C++ में कैसे प्रोग्रामिंग होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे हेल्प प्राप्त होती है. यहाँ पर कमेंट भी है. कमेंट्स के दो टाइप है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट. मल्टी लाइन कमेंट का दूसरा नाम है ब्लॉक कमेंट्स. So, what do you mean by comments in C++? So, comments are the non-executable instructions that are ignored by the compiler. वो non-executable instruction और statement है और वो compiler के द्वारा ignore होते हैं. They are used in a program to increase its readability and describe its function. Program में उसकी readability, usability बढ़ाने के लिए और उसके फंक्शन को डिस्क्राइब और डिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है.
There are two types of comment: single line comment and second type is multi line comments. इसका दूसरा नाम है ब्लॉक कमेंट्स। सो हियर सिंगल लाइन कमेंट को स्लैश सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है और मल्टी लाइन कमेंट और ब्लॉक कमेंट को ऐसे स्लैश एस्ट्रिक और जो भी कमेंट है वो एस्ट्रिक स्लैश ऐसे उसको स्टार्ट एंड एंड किया जाता है। तो ये दोनों के नोटेशंस हैं, सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश और मल्टी लाइन और ब्लॉक कमेंट्स के लिए स्लैश एस्ट्रिक फिर कमेंट्स एंड लास्ट एस्ट्रिक स्लैश। फिर यहां डिफरेंट हेडर फाइल है जैसे कि हैश इनपुट आईओ स्ट्रीम डॉट एच जो प्रोग्राम की शुरुआत में लिखी पड़ती है तो ही कोड एक्सिक्यूट होता है, प्रोग्राम एक्सिक्यूट होते हैं इंस्ट्रक्शन को ही एक्सिक्यूट होती है। एज इनपुट आयल स्ट्रीम डॉट एच मींस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। फिर आप वर्ड मेन से प्रोग्राम का स्टार्ट कर सकते हो। वर्ड रिटर्न है मेन फंक्शन है प्रोग्राम का होता है। कोई भी चीजों को प्रिंट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीआउट का। उसके बाद है वॉइड मेन फंक्शन। वॉइड मेन फंक्शन का सिंबल है और इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिख सकते हैं। पहले हेडर फाइल आती है जैसे कि आरओ स्ट्रिंग डॉट एच, फिर वॉइड रिटर्न टाइप है, मेन फंक्शन है और सीआउट वो कंसोल आउटपुट है। ठीक है, सीआउट का मतलब क्या है? जब आप कोई भी चीज को स्क्रीन पर आउटपुट में दिखाना चाहते हो, रिजल्ट के तौर पर प्रिंट करना चाहते हो तो आप सीआउट का इस्तेमाल कर सकते हो। सो इट इज अ कंसोल आउटपुट बाय व्हिच यू कैन प्रिंट योर वैल्यू, यू कैन प्रिंट योर मैसेज, यू कैन राइट समथिंग, यू कैन डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन। फिर है प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस। लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइटिंग इवन एंड एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस रिक्वायर्स द नॉलेज एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को होता है वैसे ही सी प्लस प्लस बेसिक जानने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, लर्न करने के लिए आपके पास बेसिक स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन सी बात करेंगे तो डेटा टाइप्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस। आपके पास वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, कैरेक्टर सेट के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सेट और स्पेसिफिकेशन सारी चीजें मिलकर एक प्रोग्राम कंपाइल होता है, डिजाइन होता है, रन होता है। तो पहले प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस तो उसमें सबसे पहले है कैरेक्टर सेट। क्या है बेसिक एलिमेंट्स में सबसे पहले कैरेक्टर सेट। उसके बाद में टॉपर। क्या है टॉपर? फर्स्ट वन इज कैरेक्टर सेट, सेकंड वन इज टॉपर, नंबर थ्री कीवर्ड्स, नंबर फोर आइडेंटिफायर्स, नंबर फाइव कॉन्स्टेंट्स, नंबर सिक्स ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये देशांतर बेसिक सिक्स। सो
So students, here the programming elements of C++. First one is character set. Second one is token. Third one is keywords. Number four, identifiers. Number five, constants. And number six, operators. So ये basic elements. तो बच्चों इसी बारे में इसी elements को next lecture में अगले lecture में details में study करेंगे, explain करेंगे. तो बच्चों ये सारी चीज़ आप देखते रहिए, समझते रहिए, books में note down करते रहिए. जैसे कि आज हमने creation and execution of C++ program देखा. कैसे टर्बो C++ में कोई फाइल को वर्ड सीपीपी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, बनाते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं. फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ C++ प्रोग्राम देखा, कमेंट्स देखा, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स. मल्टी लाइन कमेंट्स इज आल्सो नोन एज ब्लॉक कमेंट्स. उसके बाद हमने हेडर फाइल देखी, एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कोडेज. फिर हमने वॉइड मेन फंक्शन देखा, वॉइड इंटर टाइप मेन फंक्शन. फिर हमने सीआउट देखा, फंक्शनल आउटपुट ऑब्जेक्ट. और फिर प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स ऑफ C++ का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कैरेक्टर सेट, टोकन, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स. तो बच्चों सारी चीज आप देखते रहिए, जरूरी पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते रहिए और बुक में और फेयर बुक में क्लिक करिए. आगे हम डिटेल्स में इसी एलिमेंट्स को डिटेल्स में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे.